लगे ना लगे, जिस हिसाब से आपके काम है आपको हथकड़ी जरूर लगनी है एक ना एक दिन। तेरा मुंह अर्थी जैसा है, कम से कम बात तो खुशी की कर लिया कर। क्या पता इस समय माल हाथ लग जाए अपने। माल गली में बच्चे खेल रहे हो, बॉल नहीं हमारे घर में आती, आप माल की बातें कर रहे हो। वो कहते नहीं नहीं इनके घर में नहीं बैंगनी, अंकल चाय में डुबो कर बाल खा जाते हैं। मैं चाय में कुछ भी डुबो के खाऊं। अच्छा। तेरी तरह जूते तो नहीं खाता ना मैं। मैंने जूते कब खाए हैं? अभी खाएगा ना दो मिनट बाद, जैसे तू बातें कर रहा है। बात कर रहा है फालतू आदमी, तुझे तो पैदा नहीं होना चाहिए था। क्यों हट। बकवास नहीं करनी। हाँ। तुझे पता ना आज मैं तानसेन का पड़ पड़ पड़ता कानसेन बन रहा हूँ। हाँ। तुझे क्या बन के आना पता ना? जो मर्जी बना लो, एंड में तो आपने वही बनाना है जो सदियों से बना रहे हो आप। और सुन अभी मैंने सबको बता दिया है। अच्छा। कि सबने ऐसे बिहेव करना है जैसे मैं ही कानसेन हूँ। अच्छा। वो लोग आते होंगे जिनको जायदाद मिली है। ठीक है, तो तूने कोई गड़बड़ नहीं करनी, समझ में आया? ठीक है, अभी मैं कानसेन बन के आता हूँ, तू सारा मौका संभाल लेना। ठीक है, ठीक है, शाबाश। अच्छा, इस घर में आने के बाद मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, लोग क्या से क्या बन गए हैं। शाहरुख खान देखो कहां से कहां पहुंच गया है। मैं और शाहरुख दिल्ली दोनों इकट्ठे आए थे। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में काजोल को उठा रहे हैं, मैं खाली बोरियां उठा रहा हूं। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया सच्ची में। मैं तो अच्छा कपड़ा भी डालता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब किसका चोरी किया आपने। मेरी शक्ल देखकर तो ऑटो वाला भी रोकता ही नहीं है। मैं देखता हूँ, हाथ हाथ देता हूँ, हेलो ऑटो, कहते हट। ओए कौन हो तुम? मैं मुरलीधरन, सिद्धू जी का दोस्त। तेरे को नजर नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, पहचान तो मैंने लिया था साहब जी। अब आप इतना तैयार होकर आए, टाइम लगा कर आए, तो मैंने कहा आपके किए किराए पर पानी क्यों फेरना है। मैं ऐसी बातें करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा देखो। क्यों? परसों कुत्ते का खुजली कर रहा था, कह रहा था पांच मिनट खुजली करूं, अपना बिस्कुट मेरे को दे देगा। जा काम कर, जाके अपना अंदर जा, चल फट फट, चल भाग जा, मेरे को रियाज करने दे। मैं तानसेन के खानदान से आया हूँ, करते रहते हैं, कोई बात नहीं, रियाज करूंगा। आना जाए माँ बबली हुई तू बंटी हुआ, बंद कमरे में ट्वेंटी ट्वेंटी हुआ, तू बंटी हुआ बंद कमरे में ट्वेंटी ट्वेंटी हुआ हुआ। अब प्यार में जो ना करना था वो भी मुझे करना पड़ा। आइयो अयो तंबे अपना कानसेन जी का घर किधर आया? यही है कितनी बार बोला यही है। ओ कानसेन जी का घर किधर आया? माया इधर को सुचमिता सेन दिखता क्या? अरे मैं ही हूँ तानसेन जी का पड़ पोता कानसेन। एक्चुअली मैं तो अपने पड़ दादाजी के साथ ही पैदा होना चाहता था ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं, लेकिन वो बड़े धोखेबाज निकले, मेरे पैदा होने से पहले ही चल बसे। उन्होंने वेट नहीं किया, बड़ा एटीट्यूड था हमने। एक काम करो, तुम लोग दूर से आए हो, थक गए होंगे, हाथ मुंह धोके प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और अपने घर जाके रेस्ट करो। पहले वो चेक करेगा कि तुम उन्हीं के फैमिली का मेंबर है कि नहीं, उसके बाद तुमको प्रॉपर्टी देगा। 100% उनके घराने से हूं मैं, मुझे कब्ज के बारे में कुछ भी पूछ लो। अरे लेकिन तानसेन जी का कब्ज से लेने देना कुछ नहीं है। देखिए तानसेन जी का कब्ज से कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन कब्ज का हर किसी से लेना देना होता है। देखिए जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जब आपके पेट में मरोड़ आते हैं। कैसा होता है? तुम मेरे को ये बताओ कि तानसेन जी का फैमिली का मेंबर हो तो तुमको इतना तो पता होगा कि सूर्य कितना होता।
11। पर अमर तो साथ सुना ये कहाँ से आता है फिर? ये भी तो गाने आगे नहीं। सुनो मेरे बात, जैसा दूध है से चाय बनता है, दूध से कॉफी बनता है, दूध से पनीर बनता है, वैसे ये सात सुर संगीत के लिए है। हे, तुम संगीतकार के हलवाई हो? अरे एक बार बताओ, हर बात से अयो अयो लगाना जरूरी होता क्या? अगर तुम्हें कभी सिर्फ अयो बोलना हो तो अयो के पहले से भी अयो लगाते हो, और सिर्फ अयो ही लगाते हो कि अगर कहीं जाना हो तो जयो भी लगाते हो? और कहीं जी सिर्फ अयो, ये हमें बचपन से याद थे। लेकिन तुम हमको बताओ, तुमको सुर के बारे में क्या मालूम है? मेरे को सुर के बारे में बहुत कुछ पता है। ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इनके बीच में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। एक मिनट, तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तुमको इन इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता होगा। शक्ल देखने से क्या मतलब? मेरे मुंह की जगह ढोलक लगी होनी चाहिए क्या? आपकी शक्ल देखिए, अपनी मंजीरे जैसी शक्ल है, कहीं कीर्तन में ना चले जाना, कोई बजा देगा आपको। और तुम्हारी शक्ल देख के भी तो नहीं लगता तुम कॉमेडी कर सकती हो। अरे ऐसे 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 होता भी नहीं है। सारी तुम से ज्यादा एपिसोड किया मैंने यहाँ पर, कम करने का लेकिन अच्छा करने का। इस बार आपने अयो नहीं बोला। क्योंकि मेरे को जवाब देने में जल्दी था ना। अयो शट अप। तुम हमको ये बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या? अरे ये अपना डमरू है। अयो वो डमरू नहीं है, वो संतूर। संतूर है, है संतूर, लेकिन क्या है ना कि मेरे को संतूर आता नहीं, तो मैं संतूर को बोलता हूँ तो डमरू है, फिर मैं उसको डमरू की तरह बजाता हूँ। क्या है ना कि जैसे गिटार होती है, जैसे ये गिटार है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसको मैं तबला बोल के ऐसे बजा लेता हूँ। करते हो? इसका मतलब है तुम कुछ भी बोलेगा और हम आंख बंद करके उसका यकीन करेगा। आंख बंद करके यकीन करो, नहीं तो हम कमरा बंद करके यकीन दिलाएंगे ना, तो लुंगी इधर से टाइट हो जाएगा। सर, ये हमको दब के देता? अरे कुछ तो दे रहा है ना, वैसे इस घर के अंदर कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आपको कैसे पता? हमको मालूम है, हम छोटा था जब इनका पड़ 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 आते चीज से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे दादा से क्या सीखा आपने? हमने सीखा एक से बोले दो, दो से बोले तीन, तीन से बोले चार, उसके बाद हमने सीख ला तक इतने तक जो तक इतने तक जो तक इतने तक तुम बताओ तुमने क्या सीखा है? तुम तानसेन के खानदान से हो और तानसेन बुझाए हुए दीपक को भी आग लगाता है, तुम क्या कर सकते हो? वो तो इसलिए जलाते थे, उनका दीपक बुझा हुआ था, मेरे जल रहे, मैं क्यों? क्या मतलब, क्या मतलब इसका? मतलब का क्या मतलब हुआ? ये फैमिली शो है, मतलब ही शो नहीं है। मतलब हुआ हर बात में मतलब। एक सेकंड, मैं बहुत अपसेट हो गया हूं। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, क्या हो रहा है? लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, ये क्या हो रहा है? लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। समझाओ, अपने गुरुजी का बॉक्सर दिख रहा नीचे से, क्या कर रहे हो? सर को जब गुस्सा आता लुंगी डांस करता तो मैं जल्दी से आग लगा दूं, नहीं तो सर का लुंगी भी निकल सकता। तुम गावो, तुम आग लगाओ, उसको बताओ कैसे आग लगाता है। आग लगा सकता? आग लगा सकता? गावो। हम अभी गाता? गावो। आयो देख, मैं आपको अभी आग लगा के दिखाता हूँ। आग लगा दे रे राजू, आग लगा दे रे, माचिस पड़ी है फ्रिज के नीचे, जल्दी जला दे रे। என்னடா தும் இதர ராக காயா ஓர் உதர ராக லகாயா வாடா ஐயோ ஆ
शर्मा, तुमने किया क्या है कि मेरे घर में आग लग गई? अयो मेरे दिया बुझ गया, तो मैं क्या करूं? आग लगा दी तो यही बात अपने घर की तरफ मुंह करके बोलती ना, आग लगा दी तो मुंह से जो पानी निकलता आग बुझ जाती। ये औरत कौन है, दो शब्द बोलता है 20 लीटर पानी निकलता है, आग के अंदर चला गया। अरे इनको नहीं पहचाना आपने? अरे ये बहुत मोटी है, चल भाग यहां से। अरे क्यों भाग जाऊं, आग की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, पेटीकोट जल गया मेरा। तो किसने कहा पेटीकोट के नीचे किचन बनाओ तुम लोग? अयो कांचन जी, ये कौन है जो इतना बकवास करी जा रही? ओहो कांचन जी, कौन कांचन जी? ये कांचन, मैं बताता हूँ, रहिए, आप पहचान नहीं रही मुझे? ओफो, अगर बत्तियां 4 लगी ना, 3 लगी होती तो आप पहचान लेती। रहिए। ये लोग ना कांचन की प्रॉपर्टी लेके आए, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, 250 रुपए मेरे से भी ले लो, जैसे प्रॉपर्टी मिलेगी बाकी के 50 रुपए और दूंगा। ओहो आपके कहने का मतलब है 250 रुपए लेके मैं इनको ये ना बताऊं कि आप कांसेन नहीं है? अयो ये क्या है, तुम कांसेन नहीं है? हट, ये तो कुछ भी बोलती है, ये तो हर चीज को ना बोलती है। ये शाहरुख खान है? नहीं, देखा हर चीज को ना बोलती है। ऐसी बात नहीं है, मैं हाँ भी बोलती हूँ। हाँ भी बोलती है? हा? बताओ ये अमिताभ बच्चन है? हाँ, देखा झूठ भी बोलती, चल भाग यहाँ से। मैं देख लूंगी तुम्हें, 8 का जवाब 9 से दूंगी। फटाफट हाथ मुंह धोके प्रॉपर्टी मेरे को दे दीजिए, अपने घर जाके रेस्ट करिए। ऐसी कैसे दे दी तुमने, राग दीपक तो गाया नहीं? देखिए राग दीपक में प्रॉब्लम हो सकती है, अभी जो राग दीपक गाया ना, जो ऊपर धमाका हुआ इनकी धोती में भी हो सकता है। मैं काम करता हूँ, मैं आपको राग झंडू सुनाता हूँ, उससे क्या है घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सर के घुटनों में दर्द नहीं है? अरे आप हमारे मेहमान है, उसमें क्या अभी कर देते हैं घुटनों में दर्द, उसमें क्या है? ऐसा कैसा दर्द नहीं है, हमको चलने में भी बहुत तकलीफ है, देखो घुटने बहुत हमारा। अयो देव माया, अयो सर जी, घुटना इधर होता अंदर। अयो लुंगी के अंदर मेरा घुटना है, मेरे को घुटना दिखता नहीं है, हम छिपाता है तुम दिखाता है, सुबह नाश्ते में क्या खाता है तुम भूसा। मेरे को शक होता है इसका चेक करना पड़ेगा इसको अच्छे से। ए, मैं आदमी हूँ क्या, मैं 1000 का नोट हूँ, बार बार चेक कर रही हो? मैं ऐसा राग गाऊंगा बारिश हो जाएगी, बारिश गाओ फिर। बरिसो रे राजू राजू बरिसो रे, ध्यान से मेरे ऊपर नहीं डालना, इनके ऊपर डाल दो रे। बरिस गया, बरिस गया, अरे वाह बारिश हो गई, वाह बारिश। अयो बारिश, वो कौन है? उधर उधर सर, अरे उधर, वो कौन, वो कौन, मैं देखा। अरे वो बादल है, बारिश बता रहा है। देखो बादल स्वयं आए। हाँ बादल, लेकिन ये पहला बार बादल को देखा खुद का पिचकारी लेके आते हुए। और क्योंकि मेरा पानी खत्म हो चुका है, और वैसे भी मैं मीरा रोड का बादल हूँ, जहाँ पानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है। फटाफट से जिसने भीगना है भीग लो। अयो वाह वाह, क्या गर्जे क्या गर्जे। कांचन जी मेरे को एक बात समझ नहीं आता, ये बादल इतना गरजता क्यों है? आपको क्या लगता है गैस की प्रॉब्लम सिर्फ इंसानों में होती है? अयो ये बात कुछ हजम नहीं हुआ है। हाँ जी आपको भी सेम प्रॉब्लम है, आप भी थोड़ा गरज लो। अरे मैं आपको बताना भूल गया, मुझे एक बहुत अच्छा राग आता, राग सुंदरी, ऐसे सुंदरी राग गाऊंगा तो अप्सराएं स्वर्ग से नीचे आएंगी। अयो ये तो सबसे पहले गाना चाहिए, गाओ ना अप्सरा वो।